भोपाल से सामने आ रही है जब 12 अगस्त को एमपी दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। पीएम के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तैयारियों का जायजा लिया है। सागर में एससी वर्ग को साधने के लिए बीजेपी जुटी हुई है, तो सागर में प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा आयोजन होने वाला है। तो कल सागर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं, तैयारियों का जायजा खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। तो बड़ी सौगात कल पीएम मोदी की तरफ से दी जाएगी, क्योंकि सागर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, जो कि पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। तो कल पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में खास बताया जा रहा है, क्योंकि सागर में प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा आयोजन कल होगा। तो 12 अगस्त को एमपी दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। मेरे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं सागर से। दिनेश, कल पीएम मोदी सागर आ रहे हैं, रविदास मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर अब लगभग हो चुकी हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, तैयारी लगभग यहाँ पूरी हो चुकी है। मोदी लगभग 2 बजे परसों आएंगे यहाँ पर, रविदास मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद लगभग 2:30 बजे सभा स्थल पहुंचेंगे, जहाँ पर सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं, और अभी भी तैयारी जोरों पर है, बाकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बिल्कुल, लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी सागर पहुंच रहे हैं और सबसे बड़ी सौगात पीएम मोदी प्रदेशवासियों को देने वाले, क्योंकि सागर में प्रदेश सरकार का ये सबसे बड़ा आयोजन हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश।